जो लोग खेसारी को जानते हैं वो खेसारी के बारे में कभी गलत नहीं कहते। हाँ, जो खेसारी को नहीं जानते वो खेसारी के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो खेसारी के संघर्ष के दिनों के साथी हैं आज भी उनके बारे में कहते हैं कि खेसारी जैसे थे वैसे ही हैं। उनको पान खाना बहुत पसंद था, इसलिए गांव में भी आते हैं। किसी भी पान की दुकान पर रुककर विदाउट एनी हेजिटेशन वो एक पान का बीड़ा लेते हैं, खाते हैं और फिर एक पान का बीड़ा अपने साथ हमेशा रखते भी हैं कि ताकि यार संगी दोस्त अगर मिल जाए तो उन्हें वो दे सकें। आपको बता दें कि खेसारी के बारे में ये सारी बातें कोई और नहीं बल्कि खेसारी के पत्नी की बहन के पति कह रहे हैं, यानी कि खेसारी के साढ़ू भाई कह रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जब भी खेसारी लाल यादव मुंबई से गाँव आते हैं तब खेसारी लाल यादव हमसे मिलना बिल्कुल नहीं भूलते। लोग ज़्यादातर अपने परिवार से मिलते हैं, अपने ससुराल पक्ष से थोड़ा कम ही मिलते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव जब भी मुंबई से बिहार आते हैं अपने ससुराल पक्ष से भी मिलते हैं। वहाँ के गांव में भी जाकर लोगों से ये बातें ज़रूर कहते हैं कि कोई परेशानी हो तो ज़रूर याद करना। वैसे कहने वाले तो खेसारी लाल यादव के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि खेसारी को करीब से जानने वाले लोग आज भी यही कहते हैं कि खेसारी लाखों में एक हैं, खेसारी जैसा होना नामुमकिन है, क्योंकि खेसारी लाल यादव सभी की सुध लेते हैं। फिर वो उस वक्त अगर कंडीशन में नहीं है मदद करने की तो बाद में करते हैं, लेकिन करते ज़रूर है। हाँ, ये बात और है कि उन्हें जानने वाले, उनके संघर्ष के दिनों को जानने वाले लोग आज भी छोटी मोटी दुकानों पर ही काम करते हैं, लेकिन खेसारी से जो बन पड़ता है खेसारी उनकी मदद करते हैं और अपने दोस्तों को इस मुकाम पर जाने के बाद भी नहीं भूलते। एक YouTube चैनल के दिए इंटरव्यू में खेसारी के साढ़ू भाई ने खेसारी की जमकर तारीफ की और कहा कि खेसारी बहुत ही नेक दिल इंसान है। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।